छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण का चुनाव 7 नवंबर को होगा। ऐसे में इन सीटों पर नेता बड़ी सभा कर वोट जुटाने की तैयारी में हैं, जहां पहले चरण के चुनाव में कबीरधाम जिले के दोनों विधानसभा कवर्धा और पंडरिया में भी चुनाव होना है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के दौरा कवर्धा के सरदार पटेल मैदान में चुनावी सभा किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी पहुंचेंगे और आम सभा को संबोधित करेंगे। साथ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा और विजय जांगिड़ शामिल होंगे। कल 29 तारीख को 2 बजे हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी, छत्तीसगढ़ के प्रभारी शैलजा जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और AICC के सेक्रेटरी विजय जांगिड़ जी का आगमन कवर्धा 2 बजे होना है। सरदार पटेल मैदान में एक विशाल आम सभा कवर्धा जिले की दोनों विधानसभाओं को लेकर आयोजित है। उसमें मुख्य रूप से हमारे कवर्धा विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय अकबर भैया जी और पंडरिया से नीलकंठ चंद्रवंशी जी उपस्थित रहेंगे। और एक पिछले चुनाव की तरह जो 2018 के चुनाव में भी राहुल गांधी जी का जब आगमन कवर्धा हुआ था, एक बहुत बड़े विशाल समुदाय के बीच में उन्होंने अपनी बात रखी थी और जनता ने स्वीकार किया था, ठीक इसी तरह वापस पुनरावृत्ति होने जा रही है। हम लोग इस चुनाव में भी राहुल गांधी जी के सभा के माध्यम से जनता के दिल को जीतने जा रहे हैं और दोनों विधानसभा हम लोग कांग्रेस के पक्ष में देने के लिए ऐसी तैयारी। कल खबर